Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपके साथ आपकी RJ मावेश खान और लेकर आ गई हूं आपके लिए एक जबरदस्त शो जिसका नाम है साउंड टैग। आप सुन रहे हैं साउंड टैग विद RJ मावेश खान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। सबसे पहले आपको ये बताते चलेंगे आज के शो में आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एब्सेंस सॉफ्टवेयर, जिसमें अगर आपको मेरी तरह बहुत सारी जबानें सीखने का शौक तो है लेकिन आप कभी सीख नहीं पाए क्योंकि आपको कुछ ऐसी हेल्प नहीं मिली, आपको एक ऐसी ऐप नहीं मिली, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी जबरदस्त ऐप जिसको आप इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारी जबानों पे उबूर हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ हैक्स एंड ट्रिक्स में इंस्टाग्राम के बहुत ही जबरदस्त दो फीचर्स जो कि आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देंगे। और टैक चेक में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ऐसी डिवाइस जो कि अगर मेरी तरह आपको भी शौक है ना अपनी तस्वीरें एल्बम में लेके बैठ के देखने का पूरी फैमिली के साथ, तो वो शौक आपका पूरा हो सकेगा इस डिवाइस के थ्रू। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बताएंगे इन टैग दिस वीक में हम एप्पल के बारे में। एप्पल यूजर्स के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, थोड़ी सी जेब जो है आपकी हल्की होने वाली है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप सुनते रहिए FM 107 शो है साउंड टैग। तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं एप्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। आज जो ऐप मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही कमाल की बहुत ही आला ऐप है। ये तो आपको पता ही है कि आजकल के वक्त में ना सब लोग ये चाहते हैं कि उनको एक से ज्यादा जबानें आए, अगर उनको अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश पे भी उबूर हो, इसके साथ ही साथ अगर उनको फ्रेंच स्पेनिश कुछ इस तरह की लैंग्वेजेस आती है, अरबिक, अगर हम लोग यहाँ रहते हैं और हमें अरबिक आती है तो ये बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन मसला क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो इतनी ईजिली लैंग्वेज को जब एक एज पे आ जाते हैं तो हम उसको सीख नहीं पाते, हमारा लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अब आप कोई जबान सीखना चाहें और आपके लिए कोई किसी किस्म का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि एक ऐप है जो कि आपकी जिंदगी को बड़ा आसान भी बनाएगी, आपको जबानें सीखने में मदद देगी, और ये ऐप है जिसका नाम है डुओलिंगो। अगर ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको 36 से ज्यादा लैंग्वेज सीखने में ये मदद देगी। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको सुनना ही पड़ेगा, आपकी लिसनिंग के ऊपर सबको डिपेंड करता होगा, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि हमें अगर हम कोई इंग्लिश मूवी वगैरह देख के कभी कोशिश कर रहे होते हैं ना लैंग्वेज सीखने की तो हमें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम कैच ही नहीं कर पाते। तो इसमें सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि आपको लिसनिंग का ऑप्शन मिलेगा, बल्कि आप इसमें टेक्स्ट ऑप्शन भी आपके लिए मौजूद है। इसके साथ ही साथ आपको पिक्चर ऑप्शन भी मिलेगा, यानी पिक्चर्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा जो लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं। इसके साथ साथ मिनी क्लिप्स मौजूद हैं, इसमें मिनी स्टोरीज के थ्रू आपको लैंग्वेज सिखाने में मदद फराहम करेगी ऐप। तो यानी इतना कुछ आपको इस ऐप में मिलेगा, आपको अपने प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करना है। और इसमें आपको जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 36 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस मौजूद हैं। अब आप अगर ये ऐप कर लेते हैं अपने पास डाउनलोड तो सोचिए कि आपकी कितनी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। आप अपने फ्रेंड्स के सामने भरम मार सकेंगे, भाई मतलब तुम तो एक ही लैंग्वेज बोलते हो लेकिन मुझे देखो मतलब 2-3 लैंग्वेजेस के ऊपर भाई को बिल्कुल उबूर हासिल है। और इसके साथ ही साथ मतलब खानदान में भी आपकी बनेगी और बैंक बैलेंस में इजाफा भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल उन लोगों को जॉब के लिए प्रेफर किया जाता है जो कि एक से ज्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर उबूर रखते हैं। और कुछ लैंग्वेजेस जैसे मैंने शुरू में फ्रेंच का जिक्र किया था, तो फ्रेंच लैंग्वेज को तो बहुत ही वैल्यू दी जाती है। तो जल्दी से आप अपने ऐप स्टोर पे जाइए, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इससे फायदे उठाइए, जितनी चाहे जबानें आप अपने घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। Hacks and tricks. Right, इसके साथ ही मैं आपसे शेयर करती हूँ आज हैक्स एंड ट्रिक्स में एक ऐसी ट्रिक जो कि आपको बना देगी बहुत ही ज्यादा हिट। आपको पता ही है कि आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है और सब लोग इंस्टाग्राम पे आपको स्टेटस अपलोड करते हैं, अपनी अपनी रील्स अपलोड करते हुए नजर आ रहे होते हैं और बड़ी जबरदस्त कमाल की मतलब आप कभी देखते चले जाए ना मतलब एक के बाद एक रील्स, तो आपका दिल चाह रहा होता है कि यार कभी ऐसी कोई रील मैं भी अपलोड कर दूं। लेकिन होता क्या है कि एक तो भाई बंदे के पास क्रिएटिविटी कम हो, दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा लेजी हो मेरी तरह, तो वो देख के इंजॉय तो बहुत करता है दूसरों की रील्स को और चाहता भी है कि हम भी इसी तरह से कुछ मतलब क्रिएटिव हो जाए। लेकिन मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि कैसे करना है, या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाएं लैपटॉप लेके बैठे एडिट करें उसके पीछे कोई म्यूजिक लगाएं। ऐसा करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि ऐसा जबरदस्त इंस्टाग्राम का हैक जो कि अगर आपको पता चल गया ना तो बस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, मुझे हमारे कुली फजील ने दिखाया कि इस तरह से भाई आप कुछ पिक्चर जमा करो और आपकी रील तैयार हो जाएगी विद म्यूजिक। तो देख के मैं
बताया तो मतलब बिल्कुल एकदम से ना शॉक में भी रह गई और बड़ी सरप्राइज हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपसे मैं शेयर करती चलूं कि इंस्टाग्राम पे आपके पास एक फीचर मौजूद होता है रील का। जब आप किसी की भी रील देख रहे हैं, आपकी कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटी है, आपका कोई मतलब फ्रेंड है जिसने बड़ी जबरदस्त कमाल की वीडियो बनाई है भाई, और आप चाह रहे हैं उसको कॉपी करना, तो वो कॉपी करना बड़ा आसान हो गया है। मतलब आप चिटिंग में ना कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं, इंस्टाग्राम आपको खुद ही ऑप्शन देता है कि आप कॉपी कर लें जिसको भी चाहें। तो इसमें आपने करना यह है कि जब आप रील देख रहे हैं ना, तो उसमें जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, उस पे यूज अ टेम्पलेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है ऑलरेडी, बस आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वैसे ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अपनी कुछ पिक्चर्स अपलोड करें, और वही वाला जो म्यूजिक है वो आपकी पिक्चर्स के साथ खुद ब खुद सिंक हो जाएगा, आपकी वीडियो को प्रोसेस करेगा और आपकी शानदार सी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। फिर आप अपने इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड कीजिए और अपने दोस्तों से दांत समेटिए। चले जी, तो आपसे एक और जबरदस्त सी ट्रिक मैं शेयर करती चलूं इंस्टाग्राम की। अक्सर ये होता है ना कि हम मतलब बहुत कुछ थके हुए होते हैं, हमारा मतलब दिल नहीं चाह रहा होता है कि हम किसी का मैसेज देखें और फिर उसका रिप्लाई करें। तो बाज़ औक़ात हम देख तो लेते हैं कि भाई इसने क्या हमें मतलब बोला है, क्या मैसेज किया है, लेकिन रिप्लाई करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा होता, इतनी सुस्ती फील कर रहे होते हैं, इतने काहिल हुए हुए होते हैं। तो अगर मेरी तरह आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी कभार होता है कि आपका ये मूड डाउन हो रहा हो कि आप उसी वक्त अपने फ्रेंड को रिप्लाई करें, तो आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत ही जबरदस्त सा फीचर मौजूद है जिसको अगर आप यूज करें तो आप अपने दोस्त का जब चाहे मैसेज देख लें। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जवाब कब देना है, और मजे की बात यह है कि उसको पता भी नहीं चलेगा, मतलब वो उसके पास सीन लिखा हुआ ही नहीं आएगा। तो ये जो है ट्रिक क्या है वो मैं आपसे शेयर करती चलूं। आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे आप अपने इनबॉक्स में जाके देखेंगे रिस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। कुछ अकाउंट्स, कुछ मैसेजेस, या फिर यूं कह लें कि कुछ दोस्तों को आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। वहां पे अगर आपके फ्रेंड्स मौजूद होंगे और आपने जाके वहाँ पे अपने दोस्त का मैसेज सीन कर लिया, तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसका मैसेज देख चुके हैं। अब आपका बाद में मतलब अगर इन केस आपकी लड़ाई हुई हुई थी, आपका उस वक्त फिलहाल दिल नहीं चाह रहा था, तो जब सुलह सफाई हो जाए तो दो चार दिनों के बाद जब आपका दिल चाहे, जब आपका मतलब जो है ना अच्छा मूड हो रिप्लाई करने का, तो आप जाइए और अब उसी अकाउंट को अनरिस्ट्रिक्ट कीजिए और अपने दोस्त को रिप्लाई कर दीजिए कि भाई बहुत बिजी था, देख ही नहीं पाया तुम्हारा मैसेज, इस वजह से अब मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ। इस तरह का मतलब कोई भी बहाना बनाना बहुत ही आसान है। आपके दोस्त को कतन पता नहीं चलेगा कि आप उसका मैसेज तो 3 दिन पहले देख चुके थे और जवाब अब दे रहे हैं। टेक चेक, टेक चेक। राइट, और इसके साथ ही टेक चेक में मैं आपसे जिस डिवाइस का जिक्र करने वाली हूँ, उससे पहले मतलब मेरा कुछ दिल चाह रहा है, पता नहीं क्या, अभी थोड़ी देर पहले एक गाना चल रहा था 90s का, और मैं उस वक्त में उस गाने में बिल्कुल खो सी गई। मुझे वो सारा वक्त याद आ गया जब हम लोग जो है ना अपने सब कजन्स वगैरह साथ बैठते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, इसके साथ ही साथ बैठ के खाना खाते थे, पिकनिक्स पे जाया करते थे। आजकल अगर देखा जाए तो वक्त बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। उस वक्त की अगर आप तस्वीरें देखें तो हमारे पास अभी भी हमारे घरों में हमारे अम्मा अब्बा के पास ना एल्बम्स पड़ी हुई होती हैं जिसपे हमारे सब कजन्स की तस्वीरें होती हैं और हम उसको देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल अगर आपका फोन इन केस लॉस्ट हो जाए, आपका फोन गुम जाए, तो आपकी बहुत सारी तस्वीरें भी उस फोन के साथ ही हमेशा के लिए गुम हो जाती हैं। तो एल्बम्स का जमाना मुझे तो बहुत ही पसंद है, और मैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ ओल्ड स्कूल से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास तस्वीरें अभी भी जरा कुछ प्रिंटेड शक्ल में मौजूद हो, बजाय इसके कि आपके सिर्फ फोन पे, आपके लैपटॉप पे आपकी तस्वीरें सेव हुई हुई हो, बल्कि आपके पास अगर कोई एल्बम हो, आपके पास कोई प्रिंट निकला हुआ हो तस्वीर का, तो उसका मजा, उसकी फील ही अलग होती है। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा जिक्र करती चलूं कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मॉल्स हैं उस पे अक्सर फोटो बूथ्स होते हैं जहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे अपनी तस्वीर खींच के उसी वक्त प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ महीने में एक दफा तो जरूर ये करती हूँ कि हम जाते हैं फोटो बूथ पे, अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं और उसका प्रिंट निकाल के अपने पास मेमोरी के तौर पे रखते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा करना अच्छा लगता है, तो मैं आपके लिए एक डिवाइस लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्यूजीफिल्म इंस्टेक्स मिनी 40 कैमरा। ये कैमरा आपकी क्लिक की हुई पिक को इंस्टेंट निकालता है 90 सेकंड्स में। इस कैमरे की खास बात यह है कि हम जब पुराने जमाने की बात कर रहे थे ना, तो उस वक्त के कैमरे में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता था, मतलब आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता था जो आपकी फोटो निकाले। लेकिन इस कैमरे में सेल्फी फीचर भी मौजूद है, तो आप आराम से अपनी भी जितनी चाहे सेल्फीज लें, फटाफट प्रिंट कीजिए और अपने घर पे जहाँ पे भी आपका दिल चाह रहा है फ्रेम करने का, अपने कमरे में लगाने का, तो आप इजिली कर सकते हैं ये। अच्छा, इसमें साथ साथ मैं आपको कुछ फीचर्स इसके और बता दूं। इसमें डबल ए बैटरी यूज होती है, पावर्ड प्रिंटर है जो कि आपकी फोटो को 90 सेकंड्स में प्रोसेस कर देगा। तो
अगर आप भी ओल्ड स्कूल हैं और इस बात को प्राउडली ओन करते हैं तो आप भी बिल्कुल इसके प्रिंट्स निकाल सकते हैं, ये कैमरा खरीद सकते हैं और अपने घर में जहां भी चाहे, आजकल वो भी चल रहा है ना एक डेकोरेशन करने के लिए, अपनी कमरे में क्लिप्स के ऊपर लगा लिया जाता है, लाइट्स के साथ लगा लिया जाता है, बर्थडे पार्टीज होती है तो उस पे पीछे फ्रेम कर ली जाती है बहुत सारी अपनी पिक्चर्स, तो ये सारे काम आप कर सकेंगे इस जबरदस्त छोटे से क्यूट से कैमरे से जिसका नाम है फ्यूजीफिल्म इंस्टेक्स मिनी 40 कैमरा। इंटेक दिस वीक में मैं आपसे शेयर करूंगी आज एक ऐसी न्यूज जो कि एप्पल यूजर्स के दिल पे बिजली बन के गिरेगी। ये खबर कुछ यूं है कि अभी पिछले दिनों एप्पल ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में ये अनाउंस किया है कि अगले महीने की 5 तारीख से ये अपने एप्स और इन एप परचेजेस के ऊपर कुछ कीमत बढ़ाने वाले हैं और ये खास करके एशिया और साउथ अमेरिका रीजन में जो ममालिक आते हैं उनके लिए प्राइसेस हाई की जाएंगी। हालांकि पिछले साल एप्पल ने करेंसी और टैक्सेस को एडजस्ट करने के लिए यूरोजोन कंट्रीज में प्राइसेस कम भी किए थे। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे महविश खान ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। तो ये था आज का शो और इसके साथ ही कुछ झटपट सा मैं आपको रीकैप दे दूं कि आज के शो में आपने क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया एप्स एंड सॉफ्टवेयर में एक कमाल की ऐप जिससे घर पे बैठे बैठे ही आप मुख्तलिफ जबानों के ऊपर उबूर हासिल कर सकेंगे और अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को मुतासिर कर सकेंगे। इस ऐप का नाम है Duolingo। इस ऐप को आपने इंस्टॉल करना है, आपको ये 36 से ज्यादा लैंग्वेज ऑप्शन देती है सीखने के लिए। और दूसरी हमने बात की हैक्स एंड ट्रिक्स की जिसमें इंस्टाग्राम यूजर्स को मैंने बताई एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, अगर आप दूसरे की रील से इंस्पायर हो रहे हैं और आप चाहते हैं वैसी ही रील अपनी भी बना सके तो इसमें आपको करना यह है कि जिस रील को भी आप देख रहे हैं वहाँ पे लेफ्ट साइड पे यूजर टेम्पलेट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए और अपनी पिक्चर्स अपलोड कीजिए। अब इंस्टाग्राम आपकी इन तस्वीरों से एक जबरदस्त रील आपको खुद ही बना के दे देगा। साथ ही मैंने आपसे जिक्र किया था टेक चेक में उन लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस का जो कि आज भी चाहते हैं कि उनके पास उनकी तस्वीरें प्रिंटेड शक्ल में मौजूद हों, वो अपने दोस्तों को जब वो चाय पे आए कभी डिनर पे आए तो उनको खोल के अपनी एल्बम दिखा सकें कि देखो ये तस्वीरें मैंने 2 साल पहले ली थी। तो आप जैसे लोगों के लिए एक जबरदस्त डिवाइस जिसका नाम है फ्यूजीफिल्म इंस्टेक्स 40 मिनी कैमरा। और लास्ट में हमने आपसे बात की एप्पल की इन ऐप परचेज की प्राइसेस बढ़ने की। तो ये था आज का शो, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत।